दोस्तों अभी हम सिंगापुर में हैं, सिंगापुर एयरपोर्ट में ट्रांजिट में हैं। अभी यहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है। यहाँ अभी हम लोग टर्मिनल 2 में हैं, अभी हम लोग का रिटर्न टर्मिनल 3 से है। तो अभी दोस्तों अभी हम सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हैं। अभी ट्रांजिट में हम लोग हैं। यहाँ से हम लोग का कोलकाता का फ्लाइट है जो कि 3-4 घंटे का वेटिंग है। अभी हम लोग टर्मिनल 2 में हैं। यहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट देखने लायक एयरपोर्ट है। हम चला बोला 3 घंटे का टाइम है तो यहाँ भी कुछ रूट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का रिटर्न जो है टर्मिनल 3 से है। अभी हम लोग टर्मिनल 2 में हैं तो टर्मिनल 3 जाएंगे, वहाँ से रिटर्न जाएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा घूमेंगे, इसका साइड में ही है टर्मिनल 1 भी देखेंगे और आप लोग को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिएगा ऐसा क्या है। तभी हम लोग टर्मिनल 2 को थोड़ा घूम के देखते हैं। तो अभी हम स्काई ट्रेन के अंदर है, टर्मिनल 3 की तरफ चलेंगे। टर्मिनल 3 उधर देखो, अभी सामने आने वाला है मैन मेड वाटरफॉल्स जो कि सिंगापुर एयरपोर्ट का एक बहुत ही शानदार, आप कहीं भी देखोगे तो सिंगापुर एयरपोर्ट का आइकॉनिक वाटरफॉल है जो कि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के बीच आता है। सिंगापुर एयरपोर्ट का आइकॉनिक वाटरफॉल जो एक मॉल का तरह बना हुआ है, उसका साथ ही है सिंगापुर एयरपोर्ट का आइकॉनिक वाटरफॉल। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये था मैन मेड वाटरफॉल।
टू और थ्री का बीच में देखने लायक बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग चल रहे हैं टर्मिनल थ्री के तरफ। अब टर्मिनल थ्री में क्या क्या आप लोग देख सकते हैं देखेंगे, आउटसाइड से देखिए इसी का ये मॉल का तरह बना हुआ है। जी का अंदर है रोमैन मेड वाटरफॉल जो कि इंटरकनेक्टेड है टर्मिनल टू और टर्मिनल थ्री से, बट वहाँ हम लोग जा सकते हैं आफ्टर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बाद ही हम लोग। दोस्तों अभी हम टर्मिनल थ्री में आए हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग चलेंगे टर्मिनल वन, टर्मिनल वन देख लेते हैं, उसका बाद हम लोग टर्मिनल थ्री को देखेंगे। ये यहाँ से हम लोग को स्काई ट्रेन मिलेगा जो कि टर्मिनल थ्री के लिए जाते हैं। ओके, तो टर्मिनल वन चलते हैं अभी। दोस्तों ये है सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल वन, जो हम लोग टर्मिनल वन पहुँच चुके हैं। इमिग्रेशन अराइवल, अभी हम लोग सिंगापुर एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ अपना कोई काम नहीं है। हम लोग थोड़ा एयरपोर्ट के अंदर देखेंगे। तो एयरपोर्ट का अंदर ही गार्डन बना हुआ है, तो गार्डन की तरफ चलेंगे। ये दुनिया का खूबसूरत एयरपोर्ट ऐसे नहीं है, आप देख सकते हैं एक टर्मिनल इसका डिफरेंट वैरायटी का है। अगर हम लोग टर्मिनल टू में थे तो टर्मिनल टू का डिफरेंट, अभी ये टर्मिनल वन स्मोकिंग जोन बना हुआ है। दोस्तों ये है कैक्टस गार्डन जो कि चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पे है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कैक्टस गार्डन, यहाँ से बिल्कुल रनवे देख सकते हैं आप, रनवे नज़र आता है पूरा। ये टर्मिनल वन का रूप में बना हुआ है कैक्टस गार्डन, जो कि दुनिया की बेहतरीन किस्म के कैक्टस प्लांट्स यहाँ लगाया हुआ है। ये देखिए फ्लाइट्स बहुत नज़र आएंगे,
यहाँ से आप पूरा रनवे देख सकते हैं कि आप लोग फ्लाइट में हो सिंगापुर एयरलाइंस का। हेलो Good. Where are you from? Me, UK. UK. Yeah, I'm Shrewsbury. 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 Yeah, man. Where are you from? India. India. Ah, no, it's first time or? No. Nope. Many times. Many times. My first. Actually, I am coming from China. Transit here. Okay. Going back to my country. Lovely. Okay. Stay well. Good. तो ये है बटरफ्लाई गार्डन जो कि चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल थ्री में है। बटरफ्लाई गार्डन पे हम चलते हैं। तो ये है टर्मिनल थ्री। अभी हम लोग ये आप देख सकते हैं शॉपिंग एरिया। दोस्तों हमारा सिंगापुर एयरपोर्ट का सफ़र यहीं तक का था। कुछ ही देर में हमारा फ्लाइट अनाउंसमेंट हो जाएगा। टाइम लगभग नज़दीक आ गया तो यहीं पर हम लोग का ये वीडियो का समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल नया है जिसमें हम लोग कोशिश किए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखा सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ कोई नया देश नया जगह हम लोग जाएँ तो आप लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।